हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 10th स्टैंडर्ड मराठी लेसन नंबर 3, दैट इज शॉल। ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे इसका डाइजेस्ट आंसर। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि आपको क्लियर दिखे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मिस ब्लर दिखता है, ब्लर नहीं दिखेगा अगर आप इतने मतलब हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, और जिनको थोड़ा सा मराठी में प्रॉब्लम है लैंग्वेज में तो वो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है समरी, तो यहाँ पे समझ सकते हो। शॉल क्या है, हमें पता है कि एक टाइप का क्लोदिंग है, तो लूजली वन ओवर द शोल्डर्स, किस तरीके से शोल्डर पे उसको रखते हैं, पहना जाता है। इट इज़ ऑल्सो गिफ्टेड, ये गिफ्ट किया जाता है गेस्ट को ऑनर में, यानी सम्मान में, अप्रिसिएशन के लिए। हम देखते हैं ना उनको शॉल देते हैं बहुत सारी जगह पे, हम देखते हैं, और उनको एक श्रीफल देते हैं साथ में। ओके, द ऑथर इन दिस लेसन एलेबोरेट्स ऑन हाउ ही पुट टू बेटर यूज़ द शॉल्स रिसीविंग बाय हिम as gift of honor at various occasions and also shares his experiences associated with it। तो यहाँ पे बताते हैं किस तरह से मैं उसका बेटर यूज़ करता हूँ इस गिफ्ट का, और वो अपना पे यहाँ पे एक्सपीरियंस बताते हैं जब उनको मिला है तो उन्होंने क्या किया है। ये सर जी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, वंस आई वॉज विजिटिंग PL देशपांडे फॉर सम वर्क। तो एक बार वो यहाँ पे मिलने गए PL देशपांडे से कुछ काम के लिए। सो व्हेन आई वॉज अबाउट टू लीव, जब वो ऐसे जाने वाले थे, सुनीता बाई गिफ्टेड मी अ शॉल। तो उन्होंने क्या किया, सुनीता बाई ने गिफ्ट था शॉल, उनको गिफ्ट किया। आई रेडली एक्सेप्टेड इट बिकॉज रिसीविंग अ शॉल फ्रॉम PL एंड सुनीता बाई वॉज द ग्रेटेस्ट ऑनर वन कुड हैव। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया कि उन लोगों ने उनको दिया। आई प्रिजर्व इट आर्डेंटली एंड नेवर यूज इट, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया और कभी इसका यूज़ नहीं किया लेटर ऑन बाद में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं गया वाई चेयरपर्सन ऑफ विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया, तो उनसे मिलने गए और वहाँ पे रूम में रुके, प्रज्ञा पाठशाला ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी के किनारे एक ये प्रज्ञा पाठशाला है, वहाँ पे वो रुके। ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के दौरान एक पुअर लेडी आई उनके पास फॉर फिशिंग यानी मछली के लिए, विद अ बेबी इन अ बास्केट, एक बास्केट में, एक टोकरी में अपने बच्चे को ली हुई थी। बेबी कैसे, बच्चा वो ठंड से कांप रहा था एकदम, बहुत ही चिलिंग कोल्ड था वेदर था, चिलिंग कोल्ड वेदर में बहुत ठंडी का मौसम था, लेकिन जो माँ थी उसके पास यहाँ पे उसका ध्यान देने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो मछली मारने के लिए आई थी। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, तुरंत उनको जो वो शॉल मिला था PL से, जो कीमती शॉल था, उन्होंने उसे दिया। अवे टू द लेडी एंड आस्क्ड हर टू रैप, उन्होंने उनको बोला उस लेडी को कि इसको रैप कर लो, बच्चे को इसमें यानी लपेट दो, और इस The warmth of the memory is more precious than the precious PL shawl itself. यानी कि उससे भी कीमती ये मेरे को जो warm memory है ना, इतनी अच्छी memory जो मिली ये बहुत अच्छी है। नारायण सुर्वे, eminent poet नारायण सुर्वे, who was also president, जो कि मराठी साहित्य सम्मेलन के वो president थे, उन्होंने used to attend numerous literary conference and gatherings, इस तरीके से जो कॉन्फ्रेंस होता है इकट्ठे लोग होते थे वहाँ पे अटेंड करते थे। नेचुरली ही हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ शॉल्स, उनके पास ऐसे बहुत सारे शॉल्स थे जो गिफ्ट किया हुआ था उनको, मिला हुआ था उनको ऑनर में, सम्मान में। तो ही पर्सोनिफाइड द वर्ड शॉल एज शालीन, मीनिंग दैट अपॉन रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ मेनी शॉल्स ही हैज़ गेन्ड द क्वालिटी ऑफ बींग पोलाइट। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, देख सकते हो किस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस बताए हैं। सो चैप्टर तो आपने पढ़ा ही हुआ है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार वही फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि ओमकारेश्वर टेम्पल है, उसके पास में गए तो वहाँ पर उन्होंने बूढ़े भिखारी को देखा बैठा हुआ था, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ फटे फटे कपड़े थे, ठंड से कांप रहा था। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन वो दो शॉल उन्होंने उसको दिया, ही टुक देम विद ग्रेटिट्यूड, यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ दिनों के बाद आई अगेन वेंट देयर, मैं फिर से वहाँ गया। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि एक बार वो फिर से उसी मंदिर पे गए और फिर से उसी बुढ़े पर्सन को देखा, उसी भिखारी को देखा, तो उसने क्या बोला, मतलब उन्होंने यहाँ पे बोला कि शायद आप मुझे पहचान, उन्होंने ट्राई किया कि वो मुझे पहचान जाएगा क्योंकि उन्होंने शॉल दिया, बट उसने नहीं पहचाना। बाद में उसने ग्रीट किया और बोला कि आप बहुत मतलब ग्रेटफुल टोन में एकदम एहसानमंद होके बोला कि आप बहुत ही काइंड पर्सन हो, बहुत दयालु पर्सन हो जिन्होंने मुझे दो शॉल दिए थे, लेकिन एक भिखारी कैसे उसे ओढ़ सकता है। सबसे बड़ी भूख होती है जो खाली स्टमक होता है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा शिवियर, ज़्यादा ठंडी लगती है, मतलब कि ज़्यादा कंफर्ट देता है, मतलब कि एक बार आप शॉल नहीं ओढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर भूखे पेट रहना ये बड़ी मुश्किल काम है।
तो उसने वही बोला कि मैंने उसको दोनों को बेच दिया, उसको बेच दिया और फिर मैंने उसका खाना खाया, ठीक है, 2-3 दिन, तो मैं आपका बहुत एहसान मंद हूँ। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि प्रोवाइड फूड टू द हंग्री, गिव वाटर टू द थर्स्टी, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप भूखे को खाना और प्यासे को पानी दो तो, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट लीस्ट गिव प्रेशियस शॉल्स टू द डेस्टिट्यूट, क्या रखेंगे, क्या करेंगे हम उसको रख के, कम से कम हम किसी को दे ही दें। सही बात है। अब यहाँ पे देखो टिपा में कुछ नोट्स में यहाँ पे दिए गए हैं कि ये कौन है, देश पांडे कौन है, तो यहाँ पे उनके बारे में दिया गया है। बहुत ही एमिनेंट मराठी राइटर हैं, ह्यूमरिस्ट एंड अकम्पलिश्ड एंड वर्सेटाइल पर्सनालिटी। सुनीता बाई कौन है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। विश्वकोश अध्यक्ष, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। वाई कृष्णा नदी, प्राग्य पाठशाला, ये सब उनके बारे में लिखा हुआ है। ओंकारेश्वर मंदिर ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो शिव जी का मंदिर है जो कि शनिवार पेट पुणे पे है, सिचुएटेड है। अब यहाँ पे वाक् प्रचार होते हैं, उसके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। हाथ जोड़ना यानी विनती करना, नमस्कार करना, रिक्वेस्ट करना, चक्कर मारने यानी फेर फटका मारने, ये सब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। इसके बाद के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, पहले के भी हैं सारे चैप्टर्स, सारे हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको हर एक सब्जेक्ट के सारे ही क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और कोई वीडियो चाहिए अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बताइए, वो मिल जाएगा आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ऊपर ये, तो इसके आंसर देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सुनीता भाई ने क्या दिया था, शॉल दिया था। और नदी का, कौन सी नदी का नाम बोला उन्होंने, तो कृष्ण नदी बोला है। यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं। शब्दार्थ है ये जो कि टफ वर्ड्स के मीनिंग है, आप देख लीजिए। तट यानी किनारा, उद्योग यानी कामकाज, ये सारी चीज़ें हैं, इजी हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हार्ड है आपके लिए। बाकी के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम सामने सामने देखते हैं। यहाँ पे है इसका, देखिए यहाँ पे है सेकंड का, देखिए ये रहा। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है इसका आंसर है सेकंड का, ये रहा थर्ड का, ये रहा। उसके बाद कारने लिहा में ये देखिए थर्ड का ये वाला आंसर जो है। अभी मैं आपको जूम इन करके भी बताऊंगी, अभी मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि क्वेश्चन सामने सामने ही है, उसके आंसर्स सेकंड का, फोर्थ पे आते हैं ये वाला सामने सामने आंसर है। ऐसे आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो भी मैं आपको जूम इन करके तो बता ही दूँगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कृष्णा नदीशा प्रवाह, चिंचोड़ा, टोपलीत, ठेवलेल मूड, ठंडी ने कुड़कुड़त रहना रे, ठंडी के मारे बेचारा एकदम से कांप रहा था। जाधव आची संवेदनशीलता जनवरे जान बना रहे कौनते ही, एक उदाहरण पाठाच्य आधार स्पष्ट करा, एक उदाहरण आपको पाठ के आधार पर बताना है। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है कि ये विश्वकोश के अध्यक्ष थे और कृष्णा नदी के किनारे उनका निवास स्थान था। एक दिन उन्होंने खिड़की के बाहर एक दृश्य देखा, ठंडी से एकदम कांपता हुआ एक बाई माँ से, एक बाई थी वो जो मछली पकड़ने का काम करती कर रही थी, उसका जो बच्चा था ठंडी से कांप रहा था। लेखक से यह दृश्य देखा नहीं गया, उन्होंने अपना जो पाँच पन्ना रुपया उन्होंने निकाला, नोट निकाला, उन्होंने उसको बाई को दिया। तो ये इससे उन लेखक की संवेदनशीलता दिखती है, कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे देखिए
ये क्वेश्चंस हैं, इसमें मुझे नहीं लगता मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है, सामने सामने आंसर है इसके, देख लीजिए। मैं जूम इन करके भी बता दूंगी, वैसे तो क्लियर तो दिख रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इशू। कार्ने लिहा में देखिए क्वेश्चन टू का यहाँ पे है, वन का ये रहा, टू का ये रहा, एक साथ मैं आपको दोनों आंसर यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो जो दिया गया है, शाल शालीनता का चिन्ह है, मतलब तो ये क्या बोला गया है, शाल ये सम्मान चिन्ह है, ठीक है, शालीनता ये सज्जन मनुष्यों का स्वधर्म होता है, जो व्यक्ति मूल शालीन होते हैं उनको शाल अधिक शोभा देता है, ठीक है, ये सारी चीज़ इनके ऊपर ये लिखी गई है कि हमारे हर व्यक्ति को, मतलब जो ऐसे कर्तव्यगार व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको शाल और श्रीफल देके उनका सत्कार करते हैं, ये अपनी संस्कृति पद्धति है। शाल देव नशा मानसाचे व्यक्तित्व मध्य हे अधिक ठड़ अपने उठून दिसते, तो ये सत्कार किया जाता है इससे। एक हमारे यहाँ पे पद्धति है, एक संस्कृति है हमारी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ऊपर में, इसके आंसर्स, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में आंसर देगा आपको। ये यहाँ पे टफ वर्ड्स हैं, ये दिखाना आपको ज़रूरी है, देख लीजिए, नोट डाउन करके इसे लिखिए, याद करिए। अब वो देखो क्वेश्चन वो जो थे उनके आंसर्स हैं ये। अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे इसके आंसर्स यहाँ पे हैं। विक्ष कराने के लिए शालीचा उपयोग या विषय तुमसे मत लिखा, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेखक ने एक भिक्षक की बात बताई है, ओंकारेश्वर मंदिर के पास में जो ठंडी से कुड़कुड़ा रहा था, यानी कि कुड़कुड़ाते हुए देखा, यानी कांपते हुए देखा, लेखकांचिया मनात करुणा, उनके मन में करुणा जागी और उन्होंने उस भिक्षक को अपना दो शाल दे दिया, अपना परोपकार, उन्होंने लेखक ने अपना परोपकार भावना से एकदम तृप्त हुए। लेकिन चार पाँच दिन के बाद ही लेखक ने देखा कि ये जो भिक्षक था उसके अंग के चिरगुट, फिर से उन्होंने देखा कि वैसे ही वहाँ पर बैठा है एकदम से, तो कुतूहल से लेखक ने उसके शाल के बात विचार किया, मतलब कि उसको तो शॉल दिया था, तो उन्होंने भिक्षक से पूछा कि उन्होंने शाल को क्या किया, तो मतलब उस भिक्षक से पता चला कि उसने दो दिन के लिए खाने पेट भर भरने के लिए उसने उस शॉल को बेच दिया। शालिचिया शोभे अपेक्षा पोटाची आग फार वाइट, यानी कि शाल की अपेक्षा पेट की आग ज़्यादा बड़ी है, हे थे आचे मरने योग्य होते, तो ये तो हमने देखा ही। तो इन्होंने बोला है कि उनको अन्न मिलना चाहिए, गरीबों को शॉल उपयोग नस्त, तो उनको शॉल की उपयोग नहीं, उनको तो उलटती त्याची अड़चन असु शक्ते अस्से मातरना भिक्षे करना सोचा वैसा है। लेखाच्या भावना जशा शाल वस्तूची निगडीत आहे तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूशी निगडीत असलेल्या भावना तुमच्या शब्दांत लिहा, अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे देखो दिया गया, मी पाँचवीत असताना शाळेमध्ये एक वक्तृत्व स्पर्धेत, यहाँ पे वही दिया गया कि पाँचवीं कक्षा में एक स्पर्धा में भाषण दिया था, इस स्पर्धा में मुझे पहला नंबर आया था। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, मैंने ये सारे चैप्टर्स फिलहाल पढ़ाए नहीं है तो मुझे ये पता नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे बख्शीश में, यानी बख्शीश मिलती है ना, मुझे छोटा सा चांदी का पहला मिला, माझा आयुष्यातील हे पहले पारितोषिक असले, तो यहाँ पर वो बोल रहे कि मुझे ये पहला पारितोषिक था और इससे मुझे बहुत प्रेम था। त्या दिवसा पासून आज पर्यंत मी त्या उसको मैं उसी में पानी पीता हूँ, ये बोला गया है, तो पहला मिर्चा वापर तो अच्छे से उसको धोता हूँ, विशिष्ट जगह पे रखता हूँ, त्याड़ा कुड़ाला ही हाथ, और किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। ये अक्सर बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं,
माझा जीव त्या माझा बख्शीस मध्य अर्जुन पर्यंत गुंतलेला आहे, कि मेरा जो मेरी जो जान है इसमें बसती है आज भी। तो वही यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे व्याकरण की कुछ बातें दी गई हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब अलग अलग वाक्य हैं, ये आपने इंग्लिश और हिंदी में भी पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ आपके लिए हार्ड है। सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तू कुठे रहतोस, ये प्रश्नार्थी वाक्य है। भारत माझा देश है, ये तो विधानार्थी वाक्य पता चल रहा है हमें। आहा हा, कितनी सुंदर आए है चित्र, ये विधानार्थी इसको करना है। अब ये तो किस में है, ये तो विस्मयादि में है ना, तो इसको विधानार्थी करना है तो यहाँ पे किया हुआ है। ये आज्ञार्थी करना है तो नेहमी नम्र वागा। अब ये तो आपको ये याद होना चाहिए, हमने ऊपर में देखा था इन सब टफ वर्ड्स की मीनिंग, और फिर सेंटेंस में इसको बनाना है। क्वेश्चन भी देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी समानार्थी शब्द लिखना है तो यहाँ पे देखो ये दिया है, ऊपर पूरा क्वेश्चन है। अब इन सारे क्वेश्चंस का ये आंसर है। अहोरात्र का रात्रि दिवस, नदी का सरिता, ये तो सारी चीज़ें ईजी हैं, बहुत ईजी है। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, ये सब तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, समूह बदल लिखना है आपको। भिक्षा मांगना रहा भिक्षेकारी होगा, भाषण लिखना रहा श्रोता होगा, अनेक वचन लिखना है तो इसको देखो, ये इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब तो आपको आता ही होगा, और अगर नहीं भी आता होगा तो जस्ट आपको लर्न करना है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। जहाँ पे समझाना था वहाँ पे मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने समझा दिया। अब इससे क्या करना है, इससे क्या क्या शब्द बनेगा, तो जव, फिर जड़, फिर जपा, इससे कितने बना सकते हैं वो इतना बनाया गया है, और इससे कितना बन सकता है वो इधर बनाया गया है, इतना सारा बनाया है। देखो मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए, इसमें से क्या रॉन्ग है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑड वन आउट, वही निकाल के आपको लिखना है इसमें से क्या है, तो ये है, मतलब कौन सा सही है। ऑड वन आउट नहीं है इसमें, आपको अचूक शब्द बताना है, जो राइट है वो बताना है। तो जैसे इसमें राइट ये है ना, यही है, तो ये है प्रसिद्ध विश्वकोश, इसमें ये सही है। तो इसमें देखो कहाँ पे है, ये रहा है ना, यही है, सॉरी ये नहीं है, ये शो नहीं है, ये आएगा विश्वकोश, हाँ ये राइट है। हिंदी में भी ऐसा ही होता है, मराठी में भी सेम है। नियमानुसार लिखना, लेखन नियमानुसार वो यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ पे उसके नाम लिखना है, स्वल्प विराम, ये प्रश्न चिन्ह तो बहुत इजी है, यहाँ पे भी नाम लिखना है, ये तो एकदम इजी है, ये तो मैंने फिफ्थ सिक्स के हिंदी में भी देखा, ये सारी चीज़ें मराठी में भी रहता है। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, सारे अपलोडेड हैं, अलग से प्लेलिस्ट है, ज़रूर देखिए। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी नीड हो उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।